कर्मी ना, भक्तृ कर्मी एकजुट नहीं है, एकजुट रहेंगे कटेंगे नहीं। क्या गए, बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो नेक रहोगे। सिंपल सा आपको मंत्र दिया जा रहा है। इसलिए हमारी मांग है कि हिंदुओं के वहाँ तमाम जो लोग हैं उनको सुरक्षा मिले और जो इस तरह के उपद्रवी तत्व हैं सरकार उनसे वहाँ त्वरित कार्रवाई करे उनके ऊपर और हिंदुओं की जो भी अब जो वहाँ पे हो रहा है बांग्लादेश में जो हो रहा अत्याचार वो बंद हो। जितना आज के डेट में हिंदू पे अत्याचार हो रहा है वो अत्याचार बंद करे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोनेशन, मैं हूँ आपके साथ नरोत्तम सिंह। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा विरोध प्रदर्शन निकाला गया है और आपको हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं। पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर बड़ी संख्या में जो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मामला है आप लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन? हम लोग का मामला ये है सर कि हम लोग ये चाहते हैं कि जितना आज के डेट में हिंदू पे अत्याचार हो रहा है वो अत्याचार बंद करे। बहुत लोग यहाँ पे मौलाना लोग बोलते हैं, यहाँ पे कुछ भी अगर भारत में चाहे कहीं और देश में होता है वो लोग अपने आप को खड़ा हो जाते हैं, आकर के हिंदू में दिखाने लगते हैं हिंदुस्तान में कि हम दूसरे देश के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन ये यहाँ के मुसलमान लोगों को कौम को नज़र नहीं आ रहा है कि हिंदुस्तान के लोगों को आगे वाले देश में क्या हो रहा है उसके लिए वो लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। कम से कम वो लोग भी तो आए सामने बोले लोग कि वहाँ का अत्याचार बंद हो। हिंदू राष्ट्र मांग रहे हैं हम लोग, हिंदू राष्ट्र मांग रहे हैं। अब जो वहाँ पे हो रहा है बांग्लादेश में जो हो रहा अत्याचार वो बंद हो, वहाँ का भी सुनवाई हो, वहाँ मेरे भाई बहन जो परेशान है पर उन लोग को जो कष्ट दिया जा रहा है उसकी सुनवाई हो। और भी कुछ लोग हैं, क्या मांग है आप लोग? हमारी मांग ये है कि सभी भाई लोगों को वहाँ से सुरक्षित रखा जाए और सभी भाई लोग को अच्छे से व्यवहार किया जाए उन लोगों के साथ। हाँ, अत्याचार बंद किया जाए वहाँ पर। चलिए, पटना के इनकम टैक्स चौराहे की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में जो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं वो पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मामला है आप लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? विरोध प्रदर्शन का मुद्दा ये है कि बांग्लादेश में जहाँ पर हिंदुओं की आबादी, जब बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था उस समय और आज में आसमान ज़मीन का फ़र्क हो गया। बहुत बड़े पैमाने पर हिंदुओं का पलायन हो रहा है और अभी जो परिदृश्य है जिसमें नई सरकार बनी है उसमें बहुत बड़े पैमाने पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, अकारण हमले हो रहे हैं, उनको मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उनको संपत्तियों पर कब्जा करने की कोशिश हो रही है और पूरा समाज इसमें जो है वो मौन धारण किए हुए है। कोई भी वर्ग इसमें उठकर आगे हिंदुओं के पक्ष में खड़ा होने को तैयार नहीं है। इसलिए हमारी मांग है कि हिंदुओं के वहाँ तमाम जो लोग हैं उनको सुरक्षा मिले और जो इस तरह के उपद्रवी तत्व हैं सरकार उनसे वहाँ त्वरित कार्रवाई करे उनके ऊपर और हिंदुओं की जो भी संपत्ति की क्षति हुई है उसकी क्षतिपूर्ति की जाए और जो भारत में जो हिंदू लोग हैं वो बांग्लादेश के हिंदुओं के पक्ष में अपनी आवाज़ को बुलंद करें, अन्यथा जो कुछ मुट्ठी भर लोग वहाँ बचे हैं उनके लिए भी वहाँ पर रह पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, पलायन की स्थिति बन जाएगी। इसलिए यह परिस्थिति अभी बहुत विषम है। इस विषम परिस्थिति में तमाम हिंदू वर्ग को ये आग्रह किया जाता है कि वो बांग्लादेश के हिंदुओं के पक्ष में अपनी आवाज़ को बुलंद करें। ये मांग आप किनसे कर रहे हैं कि वहाँ के हिंदुओं को सुरक्षित रखें? वहाँ के हिंदू क्या सुरक्षित रखेंगे, वहाँ के हिंदुओं को जो करना था वो करते आए हैं, आज वही काम यहाँ कर रहे हैं। एकजुट नहीं है, एकजुट रहेंगे कटेंगे नहीं। क्या गए, बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो नेक रहोगे। सिंपल सा आपको मंत्र दिया जा रहा है, आप उस मंत्र को नहीं मान रहे हैं। और कल होकर जब काटे जाएंगे जब बकरी की तरह मुर्गा की तरह तो फिर याद आएंगे फिर हम लोग जो बात कहते थे। बांग्लादेश में हो रहा है क्या, आपको डर है कि भारत में भी ऐसा? बिल्कुल हो रहा है, भारत में नहीं हो रहा है क्या? बांग्लादेश में जो हिंदू कट रहा है तो भारत में नहीं कट रहा है? मुस्लिम बहुल इलाके में कौन सुरक्षित है? क्या मामला है आप लोग? विरोध प्रदर्शन यही करना, हम लोग जगाने के लिए आए हुए हैं। हिंदू अगर जागेंगे तो सेफ रहेंगे, नहीं जागेंगे तो फिर वो भी कटते जाएंगे। हाँ, जैसा बांग्लादेश में हो रहा, ऐसा नहीं कि वहाँ पहले हिंदू नहीं थे, पहले हिंदू ज़्यादा थे लेकिन वो लोग आबादी बढ़ाते गए, हम लोग नियंत्रित करते गए, हम दो हमारे दो, इसी चक्कर में हम लोग कम रहेगा वो लोग ज़्यादा होगा, अब वो पूरा देश उनका हो गया। अब वही सिस्टम भारत के साथ भी चल रहा है, हम लोग यहाँ हम दो हमारे दो कहते हैं और उन लोग का जनसंख्या नियंत्रण कुछ है नहीं। एक यहाँ पे भी हिंदू जगाने का हम लोग
कार्य कर रहे हैं। तो चलिए, पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं वो बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और साफ तौर पर इनका ये कहना है कि हम लोग हिंदुओं को जगाने के लिए, हिंदुओं को एकजुट रखने के लिए ये विरोध प्रदर्शन निकाले हैं। बहरहाल इस क्रम में इतना ही, आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।